जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF हेड कांस्टेबल ऑफलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और इस वीडियो को देख करके आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए और भर्ती की एलिजिबिलिटी जानने के लिए क्या करना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देने वाला हूँ जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको आना है और इसके ऊपर आने के बाद आप लोग जानेंगे कि ये भर्ती हेड कॉन्स्टेबल GD के लिए निकाली गई है और भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली है। 249 आपके पद है और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी है। सैलरी आपको 69,100 रुपये दी जाएगी। सिलेक्शन आपका स्पोर्ट्स ट्रायल के द्वारा किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस आपकी 100 है और जो इसके फॉर्म आप सेंड कर सकोगे ये आप 25/12/2021 से सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती का अनाउंसमेंट अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में होना बाकी है और जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट होगा उसके बाद से ही आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट ऑलरेडी आ चुकी है, आप यहां पर देख सकते हो 31 मार्च 2022 है और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से है इनके लिए 7 अप्रैल 2022 रखी गई है। अब यहां पर आपको देख लेना है कि कौन से स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी मेल के लिए और कितनी वैकेंसी फीमेल के लिए है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बाइजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के बारे में जो कि आपके लिए लेकर के आया है नॉलेज बैटल चैंपियनशिप, और ये नॉलेज बैटल चैंपियनशिप आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी से जो भी जुड़े हुए कैंडिडेट है या फिर डिफेंस कैटेगरी में जाने की सोच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी नॉलेज को बेहतर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर होगा बैटल फॉर द बेस्ट यानी कि बेस्ट में से बेस्ट जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी जाननी है तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आपको ये चैनल ज्वाइन करना है। यहां पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। ये आपकी चैंपियनशिप 13 दिसंबर शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैंपियनशिप को ज्वाइन करके यहाँ पर अपनी नॉलेज को अच्छे से बेहतर कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। साथ ही जो स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी एलिजिबिलिटी के, अगर आप वीडियो के माध्यम से जानकारी समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अब चलिए, अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर नीचे डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का PDF आ जाएगा जो कि आपको फिलअप करके सेंड करना है। आपको इसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है अब आप ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर, ये आपको खाली छोड़ देना है, ये आपको नहीं भरना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहां पर दोस्तों आपको हेड कांस्टेबल GD लिख देना है, क्योंकि जो आपकी पोस्ट का नाम है यही है हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, ये आपको यहां पर लिखना है। इसके बाद आएगा नेम इन ब्लॉक लेटर, आपको आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर यहां पर 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। इसके बाद आपको फादर नेम लिखना है। फिर आपको 4 पॉइंट के अंदर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, स्थायी पता है, वो एड्रेस यहां पर लिखना है। 5 पॉइंट के अंदर आपको आपका जो रेसिडेंटल यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर लिखना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा है वही एड्रेस यहां पर लिख दीजिए। अब इस तरफ यहां पर आपको बोला है कि अफिक्स योर रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ड्यूली डेटेड, जैसे कि नोट मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके 3 महीने से पुराना, ज्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको फोटो के नीचे डेट भी लिखनी है, यानी कि पहले फोटो होना चाहिए और इसके नीचे डेट होनी चाहिए कि इस डेट में आपने ये फोटो लिया है, और वो डेट आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद में। इसके बाद दोस्तों
सिक्स पॉइंट यहाँ पर है, नेम ऑफ स्टेट टू विच ओरिजिनली बिलोंग्स टू, आप कौन सी स्टेट से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है, उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी स्टेट है आपकी यहाँ पर लिख दीजिए। सेवन पॉइंट है जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल, वही आपको यहाँ पर लिख देना है। रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है, जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, अब आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 02/05/199 जो भी है बेसिकली यहाँ पर लिख दीजिएगा। 10 पॉइंट आता है एज एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने साल कितने महीने कितने दिन की होती है, तो आपको क्या करना है, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट करनी है। अगर आप नॉर्मल एरिया से हैं तो 31 मार्च 2022 तक काउंट कीजिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं तो आपको 7 अप्रैल 2022 तक आपकी एज काउंट करनी है। एज काउंट करने के लिए आपको गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च करना है, ये सर्च करने के बाद यहाँ पर पहली वेबसाइट को ओपन करना है, इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको किस डेट तक एज काउंट करनी है, तो हमको एज जो काउंट करनी है वो करनी है हमें 31 मार्च 2022, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको जो डे है वो सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी एज कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, और जो भी एज आपकी निकल के आती है जैसे कि 21 साल 11 महीने 24 दिन वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ये लिखने के बाद दोस्तों 11 पॉइंट है इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी 10th 12th कम से कम मांगी है, तो यहाँ पर आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो लिख दीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख लीजिए कि किसके लिए क्या हाइट मांगी गई है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है, तो आपको आना है और यहाँ पर आपको हाइट बतानी है सेंटीमीटर के अंदर, चेस्ट बतानी है बिना फुलाए, और यहाँ पर चेस्ट लिखनी है आपको जो आपकी फुला करके हो जाती है, यहाँ पर नॉर्मल चेस्ट यहाँ पर फुला करके। इसके बाद है वेदर बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर दोस्तों ये 13 पॉइंट से पहले आपको यहाँ पर आपका जो टोटल वेट है वो वेट भी लिख देना है। 13 पॉइंट है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप इस फॉर्म को एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। वेदर बिलोंग्स टू हिलमैन वुमैन, क्या आप जो हिल एरिया है वहाँ की फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप है तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, नहीं तो नो लिख देना है। नेम ऑफ द गेम्स इवेंट्स, कौन से गेम्स के लिए, कौन से इवेंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आपको सभी गेम्स दिए गए हैं, सभी गेम्स के नाम, तो आपको यहाँ पर उस गेम का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर स्पोर्ट्स अचीवमेंट विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट मिला है गेम्स में वो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटैच करनी है, साथ ही आप यहाँ पर जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो आपको बतानी है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप एलिजिबल हो पाएंगे वो यहाँ पर आपको बोला है। इंडिविजुअल इवेंट यहाँ पर दिए है और टीम इवेंट यहाँ पर दिए है, और ये जो आपका एक अचीवमेंट है ये आपका 1/1/2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में आया हो तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है, जो भी आपकी अचीवमेंट है जो जिसमें भी आपने प्राप्त की है, जैसे कि किसी गेम में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो जो भी है वो यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है 17 पॉइंट पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि आपको जो फीस जमा करनी है उसकी जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फीस किसके माध्यम से और कैसे जमा करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको 100 रुपये फीस जमा करनी है यू आर ओबीसी कैंडिडेट को, जो एससी एसटी फीमेल है इनके लिए कोई फीस नहीं है, और ये फीस आपको पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी है। किसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट करना है ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि ये जो आपको फीस जमा करनी है ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करनी है, इनमें से किसी एक के फेवर में जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको इस टेबल में पहले ये चेक करना है कि आप कौन से डिसिप्लिन या फिर कौन से गेम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं एथलेटिक्स के लिए, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो आपको इस एड्रेस के ऊपर करना है, और इसी के माध्यम से यानी कि इसी वे में आपको जो आपकी फीस जमा करनी है वो आपको इनके फेवर में जमा करनी जो कि यहां पर आपको दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर 4 पॉइंट में बोला कि नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस डिमांड ड्राफ्ट वेयर पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट विल बी पेबल, यानी कि यहां पर ये पेबल होगा, इसके माध्यम से आप इस फीस को जमा कर पाएंगे यहां से। इसी प्रकार से आप बॉक्सिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो इस जगह पर आपको फॉर्म सेंड करना है, और यहां पर आपको इनके फेवर में फीस जमा करनी है और इनके द्वारा आपकी फीस जमा की जाएगी। तो ये हुई आपकी एप्लीकेशन फीस की जानकारी। इसके बाद यहां पर जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाए आपको यहां पर
अगर आपने पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा किया तो आपको यहाँ पर उसका नंबर देना है, डेट देना है किस डेट में आपने फीस जमा की है, और यहाँ पर अमाउंट लिखना है। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया तो आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पर देना है, डेट यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर अमाउंट लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है जो आपने ऊपर भरा है। इसके बाद यहाँ पर पैलेस लिखना है जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है। डेट आपको यहाँ पर वही लिखनी है जिस डेट में आप इस फॉर्म को सेंड कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस फॉर्म को सेंड करें, अभी वेट कीजिएगा, जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपको मालूम चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, तो वो डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों डिक्लेरेशन है जो कि ओबीसी कैंडिडेट को ही साइन करना है, अन्य कैंडिडेट को नहीं करना है। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपको सन डॉटर ऑफ श्री यानी कि आपके फादर का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको आपका एड्रेस लिखना है यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वो, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, और यहाँ पर आपको बोला कि डिक्लेयर डैट आई बिलोंग टू, यहाँ पर आपको आपकी जो कास्ट कम्युनिटी है वो आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर पैलेस, यहाँ पर डेट का नाम, यहाँ पर डेट और यहाँ पर सिग्नेचर। इसके बाद ये जानकारी आपको खाली छोड़ देनी है, नीचे आना है और नीचे आकर के ये एडमिट कार्ड भी आपको फिल करना है। इसमें आपको हेड कांस्टेबल जीडी या आपको यहाँ पर खाली छोड़ना है। बेसिकली आप यहाँ पर आपके डिसिप्लिन को मेंशन कर दीजिए जिसमें आपने अप्लाई किया है। यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर आपका फादर नेम, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपको सेम टाइप का फोटो जो कि आपने ऊपर चिपकाया है, आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, और ये मार्क आपका परमानेंट मार्क होना चाहिए, चाहे जलने का चाहे कटने का, किसा भी मार्क हो वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो पर आपको बतानी है। अगर आप हिलमैन ट्राइसमैन है तो आपको यहां पर बताना है, नहीं तो आपको नो लिख देना है। इसके बाद आपको ये बोला कि ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ पेजी, आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा जो फिजिकल ट्रायल है वहां पर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में जाना होगा। यहां पर आपको सिग्नेचर करने हैं, नीचे की जगह आपको खाली छोड़ देनी है। ये आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप हो चुका है। अभी आपको फॉर्म कैसे और कहां पर सेंड करना है उसके जानकारी भी यहीं पर दी गई है जहां पर एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी है। इस जानकारी को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि फ़ीस कैसे जमा करनी है, सेम प्रोसेस इसका रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो बास्केटबॉल के लिए, तो आपको इनके यानी कि जो एड्रेस यहाँ पर टू पॉइंट में आप देख पा रहे हो सेकेंड कॉलम में, इस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। नेम ऑफ द ऑफिसर टू होम एप्लीकेशन शुड बी सेंड, ये आपको यहाँ पर बोला है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म करना है। फिर है पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड टू बी ड्रोन इन फेवर ऑफ, तीसरे कॉलम में वो जानकारी है जिसके फेवर में आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, और फोर्थ कॉलम में ये जानकारी है कि नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस डिमांड ड्राफ्ट फेयर पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट विल बी पेबल, यानी कि कहां से आप इस फीस को जमा कर पाएंगे, फोर्थ कॉलम के अंदर वो जानकारी है। तो जिस एड्रेस पर आपको फॉर्म सेंड करना है वो एड्रेस आपका पहले कॉलम के अंदर है। उसके पहले आपको ये देख लेना है कि आपने कौन सी गेम के लिए अप्लाई किया है, जिस गेम के लिए अप्लाई किया उसके फर्स्ट कॉलम में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर आपको आपका फॉर्म सेंड करना होगा, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।